Dear students of grade 6, welcome to your sciences. Today we are going to discuss chapter number 10, the solar system. As you know that we have already started this chapter with some of the previous topic, as I mentioned earlier, about the introduction and different planets and different astronomical objects related to the solar system. Now in today's topic, I'm going to explain days, months, and years. And this topic is mentioned on page number 136 of your science textbook. So the Earth spins on an axis through the north and south poles. So suppose this is your Earth, ये आपकी ज़मीन है. And we know that there are two poles, North Pole and South Pole, South Pole of Earth. यानी एक आप कहते हैं कि शुमाली कुतुब और दूसरे को आप कहते हैं जुनूबी कुतुब. हम आज के टॉपिक में ये पढ़ने जा रहे हैं कि हम जिस ज़मीन पर रहते हैं वहाँ पर दिन, महीने और साल कैसे बनते हैं. The Earth spins on an axis through the North and South Pole. और जब हम ये बात करते हैं कि ज़मीन अपने एक्सिस पे, अपने गिर्द कैसे घूमती है, अपने मदार में कैसे घूमती है, तो ये कैसे घूम रही है? ये एक्सिस पे घूम रही है, यानी एक चक्कर में घूम रही है, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, यानी थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल ये मूवमेंट हो रही है. And the time taken for one complete rotation of the earth is 24 hours. और ये time जो ज़मीन पूरा अपना एक axis में घूमने के लिए दरकार होता है इसको, वो कितना होता है? वो तकरीबन 24 घंटे के बराबर है. Approximate अगर हम इसको average देखें तो 24 hours, तो और इसके अलावा हमारे पास जो घंटे बनते हैं वो तकरीबन 23.93 hours बनते हैं, जो कि एक expected वैल्यू के तौर पे हम लेते हैं टू बी एग्जैक्ट. और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारी 24 आवर्स की बनती है, जो कि एक दिन के बराबर है. सो ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ, सन अपीयर्स टू मूव अक्रॉस द स्काई. और जब हम देखते हैं अपनी ज़मीन से सूरज की तरफ, तो सूरज हमें स्काई पे घूमता हुआ नज़र आता है. लग रहा होता है कि सूरज मशरिक से निकला और मगरब की तरफ जो है वो गुरूब हो गया. In fact, this motion is due to the earth spinning on its axis. असल में आपकी ज़मीन अपने एक्सिस पे घूम रही होती है, ना कि सन. सन तो अपनी जगह पर मौजूद है. अगर कोई चीज़ अपनी जगह से मूव कर रही होती है तो ये ज़मीन है, सूरज नहीं है. सूरज अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जैसे सूरज मशरिक से निकल रहा है और मगरिब की तरफ गुरूब हो रहा है. When the part of the earth on which you live is facing the sun, it is daylight. और बहुत ही आसान सी चीज़ ये कि जब आप, मिसाल के तौर पे ये सूरज है और आपका जो ज़मीन का फेस, जो ज़मीन का रुख, डायरेक्शन जो आपकी सूरज की तरफ है, वहाँ पर आप क्या सपोज करेंगे कि वहाँ कौन सा टाइम होगा? वहाँ डे टाइम होगा, वहाँ दिन का वक्त होगा, क्योंकि सूरज की रोशनी वहाँ पर पहुँच रही है. But the face of the earth which is away from the sun, normally कौन सा एरिया है जहाँ पर ये हिस्सा आपका क्या है कि डे टाइम कहला रहा है? क्यों? क्योंकि वहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँच रही है, इसलिए वहाँ दिन है. लेकिन रात का टाइम कब होगा? रात का टाइम उस वक्त होगा जब अर्थ का वो हिस्सा, वो फेस, वो डायरेक्शन जो सूरज से दूर है, तो वहाँ पर कौन सा टाइम फॉल करेगा? वहाँ पर नाइट टाइम जो है वो फॉल करेगा. सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस कि किस तरीके से ज़मीन पर दिन और रात का एक पूरा जो है वो सिनेरियो, या दिन और रात का एक मंज़र आपके सामने आता है.